यहाँ पे आने का जो बेनिफिट है ना, वो है यहाँ से दिखने वाला व्यू थ्रू आउट, पूरा एंड टू एंड पैनोरामिक व्यू आ रहा है सी का, और बहुत बेहतरीन नज़ारा आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ आने की वर्थ है। अब भाई लोग, कल का दिन था मेरा गोवा में पहला दिन जो मैंने अंजुना बीच पे बढ़िया से बिता दिया। बेहतरीन तरीके से वहाँ पे सनसेट देखने के बाद मैं हो गया सेट अपने गेस्ट हाउस में। ये वीडियो मेरी गोवा सीरीज का चौथा एपिसोड है। पिछले तीन एपिसोड्स को ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। आज हम चलेंगे बैगाटोर बीच और फिर वहां से फोर्ट चपोरा। वही वाला भाई लोग, दिल चाहता है। सुबह सुबह आ गया हूँ बैगाटोर बीच, अभी बज रहा है 8:15। बैगाटोर बीच अंजुना बीच से करीब 12-13 मिनट की ड्राइव पर है सिर्फ। ये है माहौल यहाँ का। ये बीच तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अंजुना बीच। एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है बीच की एंट्री पे। नो डाउट यार, ये बीच यहाँ से देख के ही लग रहा है कि कितना नीट एंड क्लीन बीच है। ऑलराइट जी, तो आपने एक झलक तो देख ही ली होगी बैगाटोर बीच की। एक्चुअली सुबह 8:15 ही मैं यहाँ पे पहुँच गया था, तो भीड़ तो ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बीचेस पे जो भीड़ होने वाली होती है वो 4-5 बजे के बाद होती है। उसके बाद इवनिंग में फर्स्ट क्लास वाटर स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ का जो पानी लग रहा है ना, ये मतलब बीच तो नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन पानी थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप लग रहा है। रीज़न बींग, इसकी सैंड भी काफ़ी डार्क कलर की है। लेकिन एक चीज़ में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, वो है सामने एक ना चर्च टाइप यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ से थोड़ा सा ये रॉक्स के ऊपर है, तो यहाँ से जाऊँगा अब मैं और ज़रा देखते हैं कि ये कैसा है। ये सारा यहाँ पे देखो कि बिल्कुल रॉकी रॉकी एरिया है, और यहाँ से थोड़ा ट्रैक करके मुझे जाना है। मुझे लगा ये कुछ चर्च टाइप है, लेकिन ये बस एक साइन है। लेकिन ठीक है, यहाँ से बढ़िया सा माहौल लग रहा है। वो चारों तरफ देखो तो समंदर ही समंदर। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे भैया थोड़ी देर टाइम पास कर लिया है। यार ये देखो, ये कितनी बुरी चीज़ है। लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, यहीं पे अपना कूड़ा करकट सब डाल के चले जाते हैं। ये बियर की बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अपना बॉटल लेके आए थे, जिस तरीके से लेके आए थे उसी बैग में डाल के ले जाते यार, क्या प्रॉब्लम था। ये सारे शैक्स। बॉस कितने बजे ओपन होगा? 11 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो 10:30-11 बजे तक मतलब ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाते हैं। अगर अंजुना बीच और बैगाटोर बीच को कंपेयर करूं, तो इट इज़ लुकिंग लिटिल क्लीनर, इट इज़ लेस क्राउडी, और रॉकी बीच है, सैंड इसकी कंपैरेटिवली ब्लैक है। अब ज़रा थोड़ा पैदल पैदल यहाँ का एरिया एक्सप्लोर कर लूँ। ये जो ब्यूटी है ना गोवा की, हर जगह आपको ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। बिल्कुल शांत माहौल है, खासकर दिन में तो बिल्कुल ही शांत है। बस जी, बैगाटोर बीच से मैं चला फोर्ट चपोरा, जो इसके बिल्कुल पास है, करीब 5 मिनट की ड्राइव पे। वहाँ पहुँच के पहले तो चाहिए थी थोड़ी एनर्जी, तो फोर्ट चपोरा की एंट्री पे ही छोटी सी मार्केट लगी है। वहाँ नारियल पानी पी के मिल गई। चलो जी, फाइनली बस नारियल पानी वगैरह लेके थोड़ी सी एनर्जी ले ली है। अब ज़रा फोर्ट जाना है। फोर्ट की चढ़ाई शुरू हो जाती है यहीं से। ये है फोर्ट की चढ़ाई। होना क्या चाहिए कि हर किसी फोर्ट में यार गाइड ज़रूर होना चाहिए, ताकि वहाँ की हिस्ट्री वगैरह बता सके। और लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई गाइड नहीं है। कहीं कहीं पे भी जो बोर्ड्स लगे होंगे जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो वही पढ़ के काम चलाना पड़ेगा। इतिहास की बात कर रहा था, थोड़ा बहुत इतिहास यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है। तो ये माना जाता है कि ये जो मतलब ये जो चपोरा जगह है, ये जो फोर्ट बना है, ये चपोरा रिवर के बिल्कुल पास में बना है। 1717 में ये बनाया था, पोर्तुगीज़ वाइसरॉय ने बनवाया था 1717 में। और उससे पहले ये माना जाता है कि यहाँ पे शिपिंग एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती थी। दूसरी चीज़, इसका जो पर्पस है फोर्ट का, वो था कि पोर्तुगीज़ जो भी सल्तनत है उसको इससे बचाना। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद छत्रपति सामाजी ने इसको एक्वायर कर लिया था। अब जैसे जैसे हम फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इन सीढ़ियों पर हर जगह पर ये ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाहे वो की रिंग्स हों या फिर डेकोरेटिव आइटम्स हों, तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ओह वाओ, क्या व्यू आ रहा है यार यहाँ से, ये देखो।
तो जी ये देखो, ये है माहौल यहाँ का पीछे का, बिल्कुल सब कुछ बंजर पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। खैर, फोर्ट को मेंटेन तो कोई नहीं कर रहा, जो है अपनी हालत में ही है। फोर्ट के नाम पर जो है यहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई हैं और बीच में पूरी बंजर ज़मीन है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आने का जो बेनिफिट है ना, वो है यहाँ से दिखने वाला व्यू थ्रू आउट, पूरा एंड टू एंड पैनोरामिक व्यू आ रहा है सी का, और बहुत बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ आने की वर्थ है, चपोरा फोर्ट के लिए नहीं, यहाँ से दिखने वाले व्यू के लिए। और यहाँ के व्यू को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ ड्रोन शॉट लेके, देखते हैं कैसा व्यू आता है। भाई साहब, बहुत दूर तक ड्रोन को भेज दिया गया है, नीचे बोट्स कैप्चर हो रही हैं और अब इसको ज़रा वापस बुलाया जाएगा। चलो ड्रोन भैया, रिटर्न टू होम। ये आ गया हमारा ड्रोन वापस हमारे सिर पे, है ना, बढ़िया फंक्शन। इसमें रिटर्न टू होम वाला फीचर है, कहीं भी जाओ रिटर्न टू होम दबा दो तो ये वापस आ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ आते ही आपको वाइफ मिलने वाली है। कौन सी? दिल चाहता है। या ये है वो पॉइंट जहाँ पे दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी, या आपने अभी रिसेंटली मूवी देखी हो तो शायद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये वही पॉइंट है या कोई और पॉइंट है। बस जी, हो गया अपना शपोरा फोर्ट दर्शन। अब यहाँ से चलूँगा अपने गेस्ट हाउस पे। यहाँ पे शपोरा फोर्ट से उतरते ही ना, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टॉल लगा हुआ है, अलग अलग फ्लेवर्स की टी हैं, जैसे कि लेमन टी, पाइनएप्पल टी, चॉकलेट टी। तो जी, गोवा फेमस है बीचेस, नाइट लाइफ और यहाँ के काजू के लिए, इसके साथ मसालों के लिए भी। तो मसालों की थोड़ी नॉलेज तो इस भाई से मैंने बटोर ली, लेकिन मसालों की खेती देखेंगे जंगल बुक नाम से एक जगह है वहाँ जाकर, जिस दिन दूध सागर वाटरफॉल जाएंगे। फिलहाल यहाँ इंजॉय करते हैं मसाला मैगी। तो ये आ गई है मसाला मैगी, जो कि ये बोल रहे हैं कि 22 मसालों का जो इन्होंने मिक्सचर बना रखा है उससे बनी हुई है, और जो मैगी मसाला है वो तो इसमें डाला ही पड़ा है। साथ में मेरे को लगा कि जब चाय का भी एक ऑप्शन है यहाँ की स्पेशल मसाला चाय पीने का, तो वो भी एक ले लेता हूँ। लो जी भाई साहब, ये आ गई मसाला चाय। ओ भाई, चाय सीरियसली डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। हाँ, ये चीज़ है जो ट्राई करने वाली बनती है। ऑनेस्टली मैगी की टेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लग रहा, ज़रा सा ज़रूर डिफरेंस है मसाला मैगी जो हम वहाँ पे खाते हैं वर्सेस यहाँ पे, लेकिन चाय में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत सारे मसाले ये भाई साहब बता रहे हैं कि मिक्सड हैं, तो डेफिनेटली ये ट्राई करना तो बनता है। तो बस जी, यहाँ पे होता है मेरा बैकडोर बीच और चपोरा फोर्ट का सफ़र पूरा। और चपोरा फोर्ट सही मायने में इसके व्यूज़ के लिए अमेजिंग जगह है। अगर मौका लगे तो सनसेट के टाइम पर यहाँ विजिट करना, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला है आपको बेहतरीन सा सनसेट नज़ारा। मेरे हिसाब से गोवा में इससे बढ़िया सनसेट का नज़ारा शायद ही कहीं मिले। अब पता चलता हूँ अपने गेस्ट हाउस पर आराम फरमाने, क्योंकि अगले दिन भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है। चलेंगे थोड़े से ट्रैक पर और चलेंगे ज़रा एक ऑफ बीट जगह, बोले तो कोराती स्केट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।